जो इस सरकार जो डेरा बना करके जो भ्रष्ट सरकार जो बनी हुई है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, इधर उधर पलायन कर रहे हैं और पूरा लूट हत्या और बलात्कार इतने सीमा पर पहुंचा हुआ है कि कोई इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मानव श्रृंखला है पूरे तरीके से सरकार का इसमें जो या नीतीश कुमार जी सुनने में आया कि 15 हेलीकॉप्टर मंगवाए हैं, वो 15 हेलीकॉप्टर वो कहाँ से खर्च आया, कहाँ से पैसा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वही पैसा का रोजगार में इस्तेमाल होता, नौजवानों को रोजगार देने का इस्तेमाल होना चाहिए था। बिहार में जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है, रोज दिन हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, लगातार हमारा कार्यक्रम जारी है और आज हम फिर इनका जो जितना भी जो खामियां हैं उनको हम सड़कों पे और पब्लिक के बीच में लाने का काम कर रहे हैं। फिर से बाढ़ सुखाड़ हो गया तो जैसी जितनी भी मुद्दाएं हैं, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दाओं को लेकर के हम यहाँ सड़कों पे आए हुए हैं और वैसे में ये नौजवानों को रोजगार देने का इन लोगों ने ये किया था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे कि मानव श्रृंखला ये लगाए हैं, उससे अच्छा होता कि रोजगार श्रृंखला लगाने का काम करते तो वो ज्यादा बेहतर होता। एक सवाल और तेज प्रताप जी की, फिर से बाढ़ सुखाड़ हो गया तो जैसी जितनी भी मुद्दाएं हैं, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दाओं को लेकर के हम यहाँ सड़कों पे आए हुए हैं और वैसे में ये नौजवानों को रोजगार देने का इन लोगों ने ये किया था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे कि मानव श्रृंखला ये लगाए हैं, उससे अच्छा होता कि रोजगार श्रृंखला लगाने का काम करते तो वो ज्यादा बेहतर होता। एक सवाल और तेज प्रताप जी की, हम घर पे राजनीति हम नहीं करते, हम लोग घर में रहने वाले लोग नहीं है, हम लोग ग्राउंड पे रहने वाले लोग हैं, हम गरीब गुरबा के हमारी पार्टी है और हम लोग हमेशा शुरू से ही हम लोग लोगों के बीच में रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं। तेजस्वी जी का कार्यक्रम लग चुका है पूरे बिहार में, अपना बात को रख रहे हैं तेजस्वी जी, हम लोग भी छात्र नौजवान जितने लोग हैं यूथ हैं, तमाम लोग अपना बात को रखने का काम कर रहे हैं, हम लोग घर में बैठने वाले नहीं है, घर में बैठने वाले नीतीश कुमार जी हैं जो उतने दिन से चुप्पी साधे हुए थे, चोर दरवाजा से एंट्री करते हैं। एक सवाल और, एनआरसी पर नीतीश कुमार बोलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं?